नमस्ते जी। नमस्ते, आप तो वही है ना जो प्रिंसिपल सर के ऑफिस में थी? सही पहचाना आपने। मेरा नाम रेनू जुनेजा है, मैं मिनी के क्लास में पढ़ाती हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ। वो बहुत ब्रेव है, बोल्ड है। इतना बड़ा डिसीजन लिया उसने अपना सरनेम ड्रॉप करके। हम सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन 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 इस उम्र में क्या हम उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं? तलाक आपका हुआ है, उसे भी कितनी तकलीफ हुई होगी। उसके मन में जो उसके फादर की इमेज थी, कितना बड़ा धक्का लगा उसे। क्या ये सब इजी रहा होगा उसके लिए? क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ जी बिल्कुल, प्लीज आइए ना, आप बैठिए प्लीज। वेलकम। ये पानी। आप खड़ी की मैं बैठिए ना। देखिए, मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, मनोविज्ञान, समाज में लोगों के बिहेवियर को स्टडी करती हूँ। इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक्चुअली मैं आपको वार्न कर रही हूँ। मिनी में स्ट्रेस और एंजाइटी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर टाइम पे इसे ठीक नहीं किया गया तो आगे जाकर वो डिप्रेशन की भी शिकार हो सकती है। डिप्रेशन? नहीं रेनू जी, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है। मिनी तो बहुत जिंदा दिल लड़की है, खुश मिजाज है, हंसती रहती है, सबको हंसाती रहती है। ऐसे कैसे बोल रही हैं आप? देखिए, वो एक ऊपरी दिखावा भी हो सकता है बबीता जी। जैसे जरूरत से ज्यादा चहकना या हाइपर एक्टिव रहना, ज्यादा बोलना, सीरियस सी बातों को भी हंसी में उड़ा देना, ये सभी एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। तो मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। आप क्या, आप ये कहना चाह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या उसे कभी मूड स्विंग्स होते हैं? मूड स्विंग्स मींस? मतलब अचानक ही गुस्सा हो जाएगी और कुछ ही पलों में रोने भी लगेगी। हंसते हंसते उसकी आंखें भर जाएंगी। बात बात में वो नाराज हो जाएगी। तेरे पापा जी जेल में है ना, उससे तो बहुत ज्यादा परेशान है। तो भी ना यार, पागल है। आई डोंट केयर कौन है वो, क्या वो गिरफ्तार हो चाहे जो भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं एकदम ठीक हूँ। वो आजकल बहुत बदल गई है बेब्स, बात बात पे स्नैप करती है, किसी से भी लड़ने बैठ जाती है, और आज भी वो एक लड़के से मारपीट पे उतर आई। ऐसा हुआ है कभी कि गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा हो, जैसा कि प्रिंसिपल के ऑफिस में देखा था? तो ऐसे कैसे कर सकती है बेब्स? हाउ 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 कैन यू डू दिस? क्या हो गया तुझे बेब्स? एक बार मुझसे पूछ नहीं सकती थी? सही कह रही है आप। कैसे मेरी बच्ची इतनी प्रॉब्लम है, मैं समझ ही नहीं पाई। इतनी अकेली है वो, कुछ कहती नहीं पर अंदर ही अंदर घूमती रहती। हाँ, उसे आपके साथ और मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, लेक्चर्स की नहीं बल्कि दोस्ती की जरूरत है। आप उसे सुने, उसे समझने की कोशिश करें, और हो सके तो प्रैक्टिस करने वाले साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा लें। वो आपकी बेटी का मन समझने में आपकी मदद कर सकते हैं, और हो सके तो किसी साइकेट्रिस्ट की भी ओपिनियन। साइकेट्रिस्ट? नहीं, ये वो परेशान हो सकती है, स्ट्रेस में हो सकती है, लेकिन साइकेट्रिस्ट तो? ये भी हम मिडिल क्लास वालों की ही गलत फहमी है बबीता जी। साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं और उन्हें गलत समझने लगते हैं। देखिए, ये टीनेज स्ट्रेस और एंजाइटिक सिस्टम आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है, हम इसे अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। आपकी बेटी को मदद चाहिए, आप उसके सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए। वो अंदर ही अंदर चीख रही है, मदद के लिए पुकार रही है।
नमस्ते। मेरी बेटी को मेरी इतनी जरूरत है और कुछ समझ समझ ही नहीं पाई मैं। मेरी बेटी इतनी परेशान है, उसके दर्द को मैं महसूस नहीं कर पाई। इतनी सेल्फिश, इतनी सौती कैसे हो सकती हूँ मैं? क्या नहीं रख पाई मैं अपनी बेटी का? एक मिनट पहले तो आप चुप हो जाओ। देखो जो मैडम गई ना अभी, ये समझा के गई है आपको कि भाई आप अपनी बेटी को मनोवैज्ञानिक सिचुएशन से बाहर निकालो, ये नहीं कि आप खुद ही उसमें चली जाओ। आप समझ ही नहीं रहे बात को। देखो डॉक्टर की मदर में तो, अरे आप देखो एक बात ऐसी है कि अगर आप दोनों ऐसे करने लग जाओगे तो बेचारा हनुमान सिंह क्या करेगा, छड़ा कैसे संभालेगा आप दोनों देवियों को? आप तो मान जाओ। अभी आपको क्या है, मिनी को समझाने की जरूरत है, आप उसके बारे में सोचो, आप खुद को ब्लेम करे जा रहे हो। ठीक है, अब मैं मिनी को इस सबसे निकाल के रहूंगी। हाँ एकदम ताज़े ताज़े आम चाहिए हो, ये वो है ना, मैंने मिनी को प्रॉमिस किया था कि वो जो सोकर उठेगी ना तो मैं उसके लिए मैंगो शेक बनाऊंगी। अच्छी बात है, अभी क्या गर्मियाँ शुरू हो गई ना, तो ऐसे में जूस और शेक ये सब चलता रहेगा भाई। सब कुछ तोड़ दे एक एक किलो। ये अच्छा नहीं है, मैंने बोला ना आपको फ्रेश दीजिए। ये भी एक किलो तोड़ देना। वाह, अब साथ में खरीदारी हो रही है कपल्स की तरह, थोड़ी सी भी शर्म नहीं रहेगी तुम्हें। फर्क नहीं पड़ता दुनिया वाले क्या सोचेंगे। देखिए आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप मुझसे सवाल जवाब करें या तोहमतें लगाएं। तलाक हो चुका है हमारा, आपका मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है। अच्छा क्यों वास्ता नहीं है? माना तुम मेरी बीवी नहीं हो लेकिन पूरी जिंदगी मेरी बेटी की मां रहोगी, समझी? वैसे भी मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं, मिनी से मिलने आया हूं, कुछ बात करनी है उससे। एक मिनट, मिनी से क्या काम है, मिनी से क्यों मिलने आए हैं आप? हाँ तुम्हें क्या बताऊं बबीता, तुम ही तो उसको उल्टी सीधी बातों के लिए बढ़ावा देती हो। FIR कराई तुमने मेरी बेटी के नाम से, वो भी किसके खिलाफ? मनमीत, जानती भी हो मनमीत कौन है? होटल नहीं, होटलों की चेन है उसके बाप की, बहुत बड़ा नाम है अरोड़ास। तो क्या पानी में रह के मगर से बैग कौन लेता है, इसमें कोई समझदारी है क्या? और वैसे भी उनके होटलों में मेरी टैक्सियां चलती है, अब मेरी बेटी उनके बेटे की कंप्लेंट करेगी? नो बॉस, उसको बोलो अपनी कंप्लेंट वापस ले, बस। कैसे बाप है आप अशोक खुराना, अपने फायदे के लिए आप अपनी बेटी की इज्जत की कोई परवाह नहीं क्या आपको? What इज्जत? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बात हुई है मेरी मिस्टर अरोड़ा से, समझी? बताया उसने मेरे को, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उनका बेटा मिनी से माफी मांगने को भी तैयार है। बस उसे बोलो अपनी FIR वापस ले और इस केस को यहीं पर रफा दफा करो। क्या क्या देख रहे हो? लड़के ने क्या किया आपकी लड़की सब पता है? अपनी चोरी की जरा सी फिक्र ना है आपको? ओए तू मुझे नहीं बताएगा कि मेरे को मेरी बेटी की फिक्र है या नहीं, समझा? और वैसे भी अगर उनको पता होता ना कि वो मेरी बेटी है तो कभी उसके साथ ऐसा होता ही नहीं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है,
तुम लोगों ने उसके दिल में इतना जहर भर दिया उसके बाप के खिलाफ कि उसने अपना सरनेम तक हटा लिया। अब लोगों को लगता है कि वो बिना बाप की बेटी है, और बिना बाप की बेटियों के साथ ऐसा ही होता है, समझी? ऐसा नहीं होगा मिन्नी के साथ अशोक खुराना, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, समझे आप? क्या करोगी, एक के बाद एक पुलिस कंप्लेंट करवाती रहोगी? पता भी है कितना बड़ा आदमी है वो, कुछ नहीं हासिल होने वाला, साफ साफ निकल जाएगा उसका बच्चा, और बदनामी होगी हमारी बेटी मिन्नी की। बदनामी तो वो छोरा कर रहा है मिन्नी की, इसे साइबर क्राइम कहते हैं। ओए जिना, ये क्राइम क्राइम मत समझा, समझा? और वैसे भी तुझ जैसे लोगों के ना मैं मुंह नहीं लगना चाहता, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों से बहस कर ही क्यों रहा हूं। मिन्नी कहाँ है? अंदर है ना? आपकी बेटी को मदद चाहिए, आप उसके सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए, वो अंदर ही अंदर चीख रही है, मदद के लिए पुकार रही है, आपको उसकी पुकार सुननी होगी बबीता जी। एक मिनट, मैं मिन्नी से आपको नहीं मिलने दूंगी, वैसी बहुत परेशान है। तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। रोक सकती हूँ अशोक खुराना, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, शायद अभी तक आपने मुझे ठीक से जाना नहीं है। हटो यहाँ से, मैंने कहा हटो यहाँ से। खुराना एक बात कान खोल के सुन लेना, तू जब तक तू उनका पति था कभी कुछ ना बोला तुमने, लेकिन अब तो कुछ भी ना लागे है। अब तूने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो यो समझ लेना कि मैं गांधी जी का अहिंसा का पाठ भूल जाऊंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर पछताएगा। एक मिनट अशोक खुराना, आज ना ही तो आप चिल्लाएंगे ना ही गालियां देंगे, आप भूलिए मत एक बहुत ही सम्मानित पुलिस इंस्पेक्टर हैं हनुमान सिंह जी, और आज तक हमारी लिहाज करते आए हैं, इसलिए आपकी सारी बदतमीजियों को ये बर्दाश्त करते आए हैं, पर अगर इन्होंने अपना शर्म का पर्दा गिरा दिया ना तो आपको अपनी औकात दिखा देंगे। बहुत पछताओगी पविता, बहुत पछताओगी। इट्स नॉट ओवर येट। सॉरी मैं आपको फोन करना भूल गई। जी 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 ठीक है, आप चेक दे दीजिए, मैं एक काम करती हूँ, मैं सुखी जी से कह देती हूँ, वो आके आपसे चेक कलेक्ट कर लेंगे। मेरे सुखी जी ना कोई फालतू नहीं बैठे कि आप उनको ऑफिस बॉय की तरह कहीं पे भी दौड़ा देंगी। ऑफिस बॉय? रात हो गई है लवली, और सुखी जी उसी एरिया में, इसलिए मैंने बोला कि जाके वो चेक ले आएंगे, तो इसमें गलत क्या है? कंपनी का काम है तो कंपनी के लिए तो काम करते हैं ना सुखी जी। हेलो, कंपनी में काम नहीं करते मेरे सुखी जी, कंपनी में पार्टनर है। और मीता भाभी आप ना एक बात समझ लो कि मेरे सुखी जी ना इस घर के नौकर नहीं है, दामाद है। मैंने बोला नौकर है, काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता है लवली, प्रोफेशनलिज्म भी कोई चीज होती है। ओह रियली? तो प्रोफेशनलिज्म ये भी कहता है कि आप ना अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो, कंपनी में भाई उनको बराबर का दर्जा दो। आई डोंट अंडरस्टैंड, चेक लाने के लिए मैंने बोला सुखी जी को, तो इसका मतलब मैंने उनको बेइज्जत कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग मी दैट, मैं खुद जाकर ले आता हूं चेक। अरे आर यू ओके, तुम्हें लगी तो नहीं? प्लीज, ये क्या किया आपने? सारा फर्नीचर इधर को उधर कर दिया। मैंने सिर्फ रीअरेंज किया था फर्नीचर, मुझे नहीं पता था कि आई एम सॉरी कि तुम बैठ जाओ ना तुम। प्लीज मीता भाभी, ये सब ड्रामे मेरे सामने मत करो। किसने कहा था आपको हाँ कि ये सब चीजें रीअरेंज करने को? सब खराब कर दिया, अब यहाँ से कोई निकलेगा तो उसके पैरों पे चोट लगेगी ना। और ये फ्लावर वास, ये यहाँ का क्या कर रहा है? किसने रखा है यहाँ पे? आपको अच्छा लग रहा है क्या? कितना गंदा लग रहा है यहाँ पे। लवली तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ नहीं आती, तुम हमेशा मुझसे झगड़ा क्यों करने लग जाती हो? ओ हेलो, मैं करती हूँ मीता भाभी झगड़ा तो आप करती है, बट आपको तो कोई काम ही नहीं है, हर चीज के लिए ना आपको बस लवली को ही ब्लेम करना होता है। आपको कभी आपकी गलती दिखती है? नहीं दिखती ना, क्योंकि आप तो महान है, आपको आपकी गलती दिख ही नहीं सकती। क्या कर रही हो तुम दोनों? तुम बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों, पागल हो गए हो क्या?
मुझसे क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, इनसे पूछिए। हर चीज का इतना बड़ा इशू क्यों बनाना होता है मुझे ये समझ में नहीं आता। अब मैं कितना बर्दाश्त करूंगा यार अशोक। हाय हाय मीता भाभी आप बर्दाश्त करती हैं। भाई साहब आप ना मुझसे पूछिए क्या हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। ये मीता भाभी को समझा लो, मतलब देखो ना सोफे वोफे सब चेंज कर दिए, लुचिया खा लो। ये इतना सब कुछ ऐड करके क्यों भूल जा रही हो? एक्सक्यूज मी, जबरदस्ती चीज है। मैं सॉरी मीता भाभी, आपकी ना बहुत गंदी आदत है करने की। वेरी सॉरी, आपको भी गलती कभी मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर। अशोक खुराना आज ना ही तो आप चिल्लाएंगे ना ही गालियां देंगे। आप भूलिए मत, एक बहुत ही सम्मानित पुलिस इंस्पेक्टर हैं हनुमान सिंह जी, और आज तक हमारी लिहाज करते आए हैं, इसलिए आपकी सारी बदतमीजियों को ये बर्दाश्त करते आए हैं। पर अगर इन्होंने अपना शर्म का पर्दा गिरा दिया ना, तो आपको आपकी औकात दिखा देंगे। मेरी बात सुनो, बस करो। पागल हो गए क्या तुम लोग? भगवान के लिए बस करो। देखा, अब भाई साहब को भी यहाँ फ्लावर वास अच्छा नहीं लगा, तोड़ दिया ना। इसे कहते हैं मूव। बद से बुरा बदनाम। अब जा, जाकर लोगों को सफाई देती रहे कि अंदर क्या हुआ। ये मत सोचिएगा मिस मिनी कि ये बात यहीं पे खत्म हो गई है, मैं इस बारे में प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। सो बी प्रिपेयर्ड टू आंसर। गेट आउट ऑफ द रूम, मैं तुम्हें कॉलेज से एक वीक के लिए सस्पेंड करता हूं, यू अंडरस्टैंड? Okay, मिनी, अच्छे से सोई तू? और सर दर्द ठीक है अभी? हाँ बेब, सब I feel fresh now. नहीं, तेरे लिए मैंगो शेक बनाया है। बेब्स, यार आज मैंने फिर से रॉन्ग कर दिया ना। फिर से अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया और क्लास तोड़ दिया। यार बट मैं क्या करती तो बता मुझे, वो कितना झूठ बोल रहा था, देखा ना वो मनमीत और उसका उसकी फादर भी, वो भी झूठ बोले जा रहे थे, मैं क्या करती बता। मिनी में स्ट्रेस और एंजाइटी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, अगर टाइम पे इसे ठीक नहीं किया गया तो आगे जाकर वो डिप्रेशन की भी शिकार हो सकती है। क्या हुआ बेब्स, क्या बात है जो तू बोलना चाहती लेकिन बोल नहीं रही, बता मुझे। बेब्स क्या बात है जो तू बोलना चाहती लेकिन बोल नहीं रही, बता मुझे। कुछ नहीं, छोड़ ना मिनी, अब जो होना था सो हो गया, अब क्या सोच रही तू बार बार उस बारे में। पीना तेरे लिए बनाया है। एक बात बोलो यार, मैं सॉरी यार, सॉरी प्लीज। सोचा मैडम। अरे हनुमान अंकल आओ ना आप। मैं कब भाई परमिशन ले लूं ना अंदर आने से पहले? भाई मान लो कि क्वीन विक्टोरिया आराम कर रही हो, डिस्टर्ब कर दे मुझे, खफा हो जाए ना फिर फालतू में। ऐसी बस तबत से पूछने आया हूं मैं, सोचा कि भाई अभी तो बेटर फील कर रही होगी। ये दादी माँ का नुस्खा है मेरी, बहुत जोरदार तेल है ये, जड़ी बूटी युक्त, बहुत सारी चीजें मिला के कूट के बनाया गया। इसमें ऐसा है कि उसको एक बार ऐसे माथे पे लगा लो ना, ऐसी ठंडक सी मिलती है, आदमी की तबीयत एकदम हरी हो जाती है, तो लगा तू तेरे बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं हनुमान अंकल, मुझे नहीं चाहिए तेल वेल, इसकी जरूरत नहीं है। वही तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तेरे हनुमान अंकल को, पर ये भी ना बिल्कुल इतने परेशान हो गए अपने वीर वालिका को लेकर, ये परवाह है ना तेरी, इसलिए बार बार बोल रहे थे कि कुछ प्लान बनाया है मैंने, ये करेंगे वो करेंगे। रियली? हाँ हाँ पूछ, क्या प्लान है? क्या प्लान? प्लान? अरे बहुत जोरदार प्लान बना रहा हूँ, वो तेरे को
फिल्म देखने का शौक है ना तेरे को, मूवीज, उसका प्लान बनाया मैंने। ओह रियली, कौन सी फिल्म? बहुत ही बढ़िया फिल्म है, ढाई एकदम से जोरदार कड़क फिल्म है वो, बढ़िया सा नाम है उसका कुछ, एकदम से दिमाग से भी एकदम से होता है ना कई बार ऐसा स्लिप हो जाता है, ऐसा हो गया अभी। आप ना रहने दो हनुमान अंकल, आपको क्या पता हुआ था लास्ट कौन सी फिल्म देखी थी आपने? अच्छा सा नाम है उस फिल्म का, उसमें मेरा जैसा था एक पुलिस वाला आदमी, वो यहाँ पे चश्मा लगाता है और वो ऐसे बेल्ट को सेट करता है एकदम बुलबुल चुलबुल पांडे, वो मेरा जैसा पुलिस वाला है वो, एक उसकी फिल्म पेंट ना उतर जाए इसके मारे। वो फैशन था हनुमान अंकल, उसकी पैंट नहीं ढीली थी। हाँ जोरदार फैशन है, स्टाइल है उसका भाई का। तो उसी की नई पिक्चर आई है तो चलते हैं देखने। हाँ हाँ एकदम बढ़िया आइडिया है मिनी, पहले पिक्चर देखेंगे उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे फिर शॉपिंग है। मिनी शॉपिंग किए तो कितने दिन हो गए, चलना आज चलते हैं। एक मिनट, आप कंसा के बीच में, दिस इज जस्ट बिटवीन मी एंड वीरबालिका, मदर्स आर नॉट अलाउड इन दिस। अरे ये क्या बात हुई मिनी, तू मुझे ले जाएगी ना, तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी? बताओ एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है? व्हाट, क्यों फालतू में आप दोनों मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक हो यार मैं? नहीं एक सेकेंड, मुझे सिर्फ सस्पेंड किया है ना, एक हफ्ते के लिए कॉलेज से निकाल थोड़ी ना दिया है। इतनी सिंपैथी मत दिखाओ यार मुझे प्लीज, ये गुनाह है क्या? अरे मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? फाइन मैं ठीक हूँ, आप लोग भी चिल करो यार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.